सब काम मत करो, ऐसी कायरता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। और मैंने जब उन्होंने समय मुझे नहीं दिया तो मैंने अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता जी के माध्यम से शिकायतें भेजी, आज तक मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया कि संजय सिंह जी जो आपने ये कागजात दिए हैं इसकी सच्चाई क्या है, इसको नहीं बुलाया। एक बार मुझे बुलाइए, मैं मोदी जी आपकी ईडी को और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कैसे कर रहे हैं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा। एक एक मोबाइल में वो बात पहुंच जाएगी कि कैसे एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कर रहे हैं मोदी जी, और कितनी दुर्भावना से आप भरे हुए हैं, कैसे आप फंसाना चाहते हैं हम लोगों को, ये आप कर रहे हैं। नई कहानियां, नई नई बातें। अभी पता चला एक शख्स को जिससे पहले कई बार बयान लिया, उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, उसको जमानत पे बाहर करते हैं मेरे खिलाफ, तब बयान लेते हैं जब इनको गलती माननी पड़ती है। यार अब तो गलती मान ले, आप फंसाओ इसको, उससे कुछ कुछ लिखवा दिया, अब फिर चलो बदनाम करो, तो ये सब धंधा बंद कर दो।